अलग अलग उनके गुणों का गुणगान कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, और कैसे भगवान आप आशीष दे करके हमें बुद्धि दिए कि मैं आपका आराधना कर पा रहा हूँ, आपके लिए प्रार्थना कर पा रहा हूँ, ये भी वो अपनी गुणगान में कह रहे हैं। कि जैसा कि हमने देखा जब भगवान प्रकट हुए ध्रुव महाराज के समक्ष में, तो मतलब वो प्रार्थना करना चाह रहे थे, बहुत हृदय से प्रार्थना करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ भी प्रार्थना कर नहीं पा रहे थे, क्यों भी इतना ज्ञान नहीं था, गुरुकुल वगैरह नहीं गए थे, स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, तो उतने हृदय से प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कैसे प्रार्थना करें। फिर भगवान ने क्या किया, अपना शंख का स्पर्श किया उनके मस्तिष्क पे, सर पे, तो स्पर्श मात्र से जितने भी ज्ञान है उत्पन्न हो गए उनके अंदर। भगवान बोल रहे हैं दान बुद्धि योग गंभीर माम उपयोगी, कि मैं बुद्धि देता हूँ जो भी सतत युक्तारम भजताम प्रतिपूर्वकम, जो भी प्रतिपूर्वक मेरे भजन में लगा रहता है, तो मैं उसको बुद्धि देता हूँ, मैं ज्ञान देता हूँ कि कैसे वो मेरे पास आ सके। तो यहाँ पर भगवान उनके समक्ष में प्रकट होकर के उनको ज्ञान दिए कि कैसे भगवान को समझ पाए, कैसे वो प्रार्थनाएं कर पाए। तो प्रार्थनाओं की श्रृंखला चल रही है विगत कुछ श्लोकों से, और आज इस श्रृंखला की आखिरी, इस श्रृंखला के कड़ी का आखिरी श्लोक है, ये आखिरी श्लोक है आज के मतलब ये प्रार्थनाओं का। इसके बाद फिर मैत्रेय मुनि बोलना शुरू कर देते हैं। तो आखिरी श्लोक है, इसको अच्छे से हम उच्चारण करेंगे, सीखेंगे, और बहुत प्रभुपाद जी ने इसे बहुत ही अच्छा मतलब तात्पर्य दिया है, बहुत ही अच्छा तात्पर्य दिया, उस पर हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग प्रयास कीजिए इस श्लोक का उच्चारण करने का, ठीक है। सत्याशिषो हे भगवान तो पाद पद्म, सत्याशिषो हे भगवान पद्म, सत्याशिषो हे भगवान तो पाद पद्म, सत्याशिषो हे भगवान तो पाद पद्म, आशीवर तथा नु भजत पुरुषार्थ मूर्ते, अभेव मारे भगवान परिपाति दीनान, वाश्रेव वस्काम अनुग्रह कातरोस्मान, सत्याशिष हि भगवान तो पाद पद्म, आसी तथा अनुभजत पुरुषार्थ मूर्ते, अपि एवं आर्य भगवान परिपाति दीनान, वस्त्राय वस्काम अनुग्रह कातरस्मान, सत्याशिषो हे भगवान तो पाद पद्म, सत्याशिषो हे भगवान पाद पद्म, आसी तथा अनुभजत पुरुषार्थ मूर्ते, अपि अमार भगवान परिपाति दीनान, वस्त्राय वस्काम अनुग्रह कातरस्मान, सत्याशिषो हे भगवान पाद पद्म, भगवान आसे सथा भजतान पुरुषार्थ मूर्ते, अप्येव आर्य भगवान परिपात दीना, वस्त्राय वस्काम अनुग्रह कातरस्मान, सत्याशिषो हे भगवान तव पाद पद्मा,
भजता पुरुषार्थ मूर्ते आस्ते स्वधान भजता पुरुषार्थ मूर्ते अप्येव मर्या भगवान परिपाक दीना अप्येव मर्या भगवान परिपाक दीना वाश्रेव वत्साकम अनुग्रह कात्र अस्मान वाश्रेव वत्साकम अनुग्रह कात्र अस्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका बात तथा तात्पर्य पढ़ेंगे श्री प्रभुपाद जी के द्वारा रचित श्री प्रभुपाद की सत्य वास्तविक आशीष अन्य आशीर्वादों की तुलना में ही निश्चय ही भगवान हे भगवान तब तुम्हारा पाद पद्म चरण कमल आशीर्वर तथा उस प्रकार से अनुभजतः भक्तों के लिए पुरुषार्थ जीवन के वास्तविक लक्ष्य का मूर्ते साक्षात अपि यद्यपि एवं इस प्रकार आर्य हे श्रेष्ठ भगवान श्री भगवान परिपाति पालन करता है दीना दीनों का वस्त्र गाय इव के समान वत्सकम बछड़े का अनुग्रह कृपा करने के लिए कातरह उत्सुक अस्मान मुझ पर। धन्यवाद। आप लोग इसका अर्थ श्रवण कीजिए। हे भगवान हे परमेश्वर आप सभी वरों के परम साक्षात रूप हैं, अतः जो बिना किसी कामना के आपकी भक्ति पर दृढ़ रहता है उसके लिए राजा बनने तथा राजा की अपेक्षा तथा राज करने की अपेक्षा आपके चरण कमलों की रज श्रेष्ठ है। आपके चरण कमल की पूजा का यही वरदान है। आप अपनी अहेतुकी कृपा से मुझ जैसे अज्ञानी भक्त के लिए भी पूर्ण परिपालक हैं। जिस प्रकार गाय अपने नवजात बछड़े को दूध पिलाती है और हमले से उसकी रक्षा करके उसकी देखभाल करती है, तो यहाँ पर भगवान के दीन वत्सलता मर्सीफुल नेचर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं जो ध्रुव महाराज हैं। इसके तात्पर्य सुनेंगे, प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा तात्पर्य दिया है, बहुत हैवी तात्पर्य है। ध्रुव महाराज को अपनी भक्ति के दोष का पता था। शुद्ध भक्ति का कोई भौतिक रूप नहीं होता और वह सकाम कर्म तथा मानसिक चिंतन द्वारा पूरी नहीं होती, इसलिए शुद्ध भक्ति अहेतुकी कही जाती है। ध्रुव महाराज जानते थे कि वे भक्ति में भगवान की पूजा करने सो उद्देश्य आए हैं, मतलब सह उद्देश्य आए हैं, कुछ और उद्देश्य लेकर के आए हैं। वे अपने पिता का राज्य चाहते थे। ऐसा मिश्रित भक्त कभी कभी श्री भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन कर नहीं कर सकता, अतः वे भगवान की अहेतुकी कृपा के लिए परम कृतज्ञ थे। भगवान इतने कृपालु हैं कि अवे अविद्या के वशुभूत कृपा तथा भौतिक लाभ के इच्छुक भक्तों की समस्त कामनाओं को तो पूरा करते ही हैं, साथ ही भक्त की सभी प्रकार से रक्षा भी करते हैं। जिस प्रकार गाय नवजात बछड़े को दूध पिलाती है, भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान अपनी भक्ति में लगे हुए भक्तों को बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे कि वे बिना कठिनाई के इन तक पहुँच सके। भगवान को भक्ति के प्रति अत्यंत निष्ठावान होना चाहिए, भक्तों को भक्ति के प्रति अत्यंत निष्ठावान होना चाहिए। फिर चाहे भक्त में कितने ही दोष क्यों न हो, भगवान उसे मार्गदर्शन करते हुए भक्ति के उच्च पद तक पहुंचा देते हैं। कितना अच्छा लगे। ध्रुव महाराज ने यहाँ पर भगवान को पुरुषार्थ मूर्ति कहा है, जिसका अर्थ है जीवन का चरम उद्देश्य। सामान्य रूप से पुरुषार्थ का अर्थ है भौतिक वर प्राप्त करने के लिए धर्म या भगवान की पूजा करना। भौतिक वरदान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना इसलिए की जाती है कि इंद्रियों की तुष्टि हो सके, और जब मनुष्य
निराश हो जाता है और लाख प्रयत्न के बाद भी अपनी इंद्र तुष्टि नहीं कर पाता तो मुक्ति की कामना करता है। ये कार्य सामान्यतः पुरुषार्थ कहलाते हैं, किंतु वास्तविक चरम उद्देश्य तो भगवान को समझना है, यह पंचम पुरुषार्थ कहलाता है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य ने शिक्षा दी है कि मनुष्य को भगवान से भौतिक संपत्ति, ख्याति तथा सुपत्नी जैसे वरदान नहीं मांगने चाहिए, न धनम न जन्म न सुंदरी। उसे तो भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगने रहने की प्रार्थना करनी चाहिए। ध्रुव महाराज अपने भौतिक लाभ की इच्छाओं से अवगत थे, अतः भगवान का संरक्षण चाह रहे थे, जिससे वे भौतिक इच्छाओं के कारण भक्ति से विपत न हो सके। तो बहुत अच्छा श्लोक है और प्रभुपाद ने सोने पे सुहागा कर दिया इस तात्पर्य को देखे, जो भक्ति विधान तात्पर्य होता है बिल्कुल सूर्य के समान बिल्कुल चमकने वाला होता है। जैसे अंधेरा होता है कोई चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं, तो अगर टॉर्च या लाइट अगर वहाँ पर जला दें तो वही चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगती हैं। वैसे ही जो भागवतम के ये सब श्लोक हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से हमें एक तरह से, क्योंकि हम अविद्या से ग्रसित हैं, हमारा जो बुद्धि अंधकारमय है, तो जो प्रभुपाद का ये परपट ये टॉर्च का काम करता है, जैसे ये लाइट जल रहा है तो अच्छे से दिख रहा है सब कुछ, तो ऐसे लाइट का काम करता है प्रभुपाद का परपट। बहुत सुंदर प्रभुपाद का परपट दिया है और इस पर चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। और चर्चा करने से पहले वरिष्ठ वैष्णव गुरुजनों से और भगवान से श्री विग्रह से आशीर्वाद की याचना करेंगे कि आशीर्वाद दें ताकि कुछ इस पर चर्चा करने का प्रयास किया जा सके, अपनी शुद्धिकरण के लिए और समस्त वैष्णवों के आनंद की प्राप्ति के लिए, आनंद की अनुभूति के लिए। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजनाशलाकाय चक्षुरुत्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदाब्धिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाश्रितं श्रीरूपं साग्रजातं सैकं रघुनाथं सजीवं राधिकं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगलयिता श्रीविशाखामितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण पदाय कृष्ण कृष्ण। अगर गुरु महाराज की इच्छा हो तो कोई लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ डांक सकता है, कोई गूंगा व्यक्ति भी कुछ बोल सकता है। वैसे निश्चित रूप से जो आचार्यों की कृपा है, प्रभुपाद की कृपा है, जो गुरुवरों का ये कृपा है कि हम जैसे नौसिखिय भक्त भी श्रीमद् भागवत जैसे अमल पुराण पर कुछ बोलने का एक तरह से साहस कर पा रहे हैं, दुस्साहस कर पा रहे हैं। तो जैसा कि पीछे का स्टोरी में बता दिया कि क्या चल रहा है अभी तक, ये आखिरी श्लोक है ध्रुव महाराज के प्रार्थनाओं का, और आखिरी श्लोक में बिल्कुल अपने हृदय का उद्गार व्यक्त कर रहे हैं और अपनी स्थिति भी भगवान के सामने ईमानदारी से बता रहे हैं कि हे भगवान मेरी क्या स्थिति है, तो मैं किस लिए आया था यहाँ पे, भौतिक इच्छा से, मतलब अपने पिताजी से अपने दादाजी से भी बड़ा मेरे को लोक चाहिए, उन इच्छाओं के कारण मैं आया था, लेकिन आप इतने दयालु हैं, आप इतने कृपालु हैं कि ये सब जानते हुए, भगवान कह रहे सर्वस्य चाम हृदि सन्निविष्ट, भगवान तो सबके हृदय में है, भगवान तो सबके अंदर बाहर की चीजें सब कुछ जानते हैं, और क्योंकि मैं शुद्ध भक्ति से यहाँ पर नहीं आया था, भौतिक भोग की कामना के यहाँ से कि इच्छा से यहाँ पर आए थे, फिर भी हे भगवान आप इतने परम दयालु हैं कृपालु हैं कि आप आए और मुझे अपनी हेतु की कृपा से मुझे ज्ञान दिए ताकि मैं प्रार्थना कर पा रहा हूँ और मेरे इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। तो जो प्रभुपाद ने यहाँ पर चर्चा किया है
पंचम पुरुषार्थ और चतुर्थ पुरुषार्थ का, तो इस पे हम थोड़ा सा भागवत महिमा का एक चर्चा करेंगे, जो कि आज के पर्पट में प्रभुपाद जी ने एक तरह से श्रीमद् भागवतम की महिमा को स्टैब्लिश किया है। क्या श्रीमद् भागवतम है, कि भागवतम क्या प्रदान करता है, भागवतम से क्या लाभ होता है, उसको स्टैब्लिश किया आज के इस पर्पट में प्रभुपाद ने। तो श्रीमद् भागवतम का जब सुख व्यास देव रचना कर रहे हैं, तो कोई भी जो ग्रंथकार होता है, किसी भी ग्रंथ का, किसी भी किताब का रचना करता है, बुक का रचना करता है, तो ये बताता है कि इस किताब में क्या है ना, वस्तु निर्देश। कोई भी हम किताब पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा रहता है, पहले मतलब पृष्ठ भाग में शुरू में लिखा रहता है कि व्हाट द बुक इज अबाउट, इस बुक में क्या लिखा हुआ है, क्या है इस किताब में, आखिर क्या फ़ायदा होगा, जो भी पढ़ने वाले होंगे, जो भी पाठक होंगे, तो पढ़ करके क्या फ़ायदा होगा इनको। तो वैसे ही श्रीमद् भागवतम के जो प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक में जो व्यासदेव हैं वो लिख रहे हैं कि क्या इस भागवतम में जो 18,000 श्लोकों का जो भागवतम है, मैं क्या देने जा रहा हूँ, इसमें क्या देने जा रहा हूँ। तो लिख रहे हैं कि धर्म प्रोजितो कैतवो अत्रो परम निर्मसणाम सदा वेद्यम वास्त्रमत्र वस्तु सेवदम त्राप तय उन्मूलनम त्रय त्राप उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परारईश्वर सद्यो हृदय वस्तु अत्र कृत भी सूत्र भी तक्षणात। क्या कह रहे हैं कि धर्म प्रोजित कैतवो अत्र, धर्म प्रोजितो मतलब बात की जा रही है यहाँ पर धर्म का, और क्या किया जा रहा है, कैतव धर्म का भी बात की जा रही है। धर्म कैतव धर्म कैसे हो सकता है, धर्म मतलब भगवंत साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान का कहा वो वाक्य है वो तो धर्म है, तो धर्म में कैतव धर्म कैसे आ गया, बात सोचने की है कि नहीं। बात जब धर्म की जा रही तो उसमें से कैतव का क्या धर्म है, मतलब कैतों का क्या आ जा रहा है, तो वो ये अर्थ आ जा रहा है कि सारी वैदिक ग्रंथों का रचना करने के बाद, चारों मतलब 18 पुराण रचना करने के बाद, 108 उपनिषदों की रचना करने के बाद, चारों वेदों की रचना करने के बाद, श्रुति स्मृति सब कुछ रचना के बाद, इतिहास रामायण और महाभारत दो इतिहास ये भी रचना करने के बाद भी जो थे व्यासदेव क्यों असंतुष्ट थे, तो यहाँ पर वही बता रहे हैं परमो निर्मसरणाम सदा धर्म प्रोचित कैतव अत्र, कि धर्म के नाम पर जैसे नॉर्मली लोगों को एक तरीके से फंसा दिया जाता है, जो चतुर्थ पुरुषार्थ हैं, जो कैतव धर्म क्या है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जितने भी आप कोई भी वेद उठा लीजिए, पुराण उठा लीजिए, उसमें क्या है, इन चार चीज़ों की मतलब बेसिकली बताया गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन अगर हम ध्यान पूर्वक इन चीज़ों को, इन विषय वस्तुओं को देखें, तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष क्या है, धर्म कि हम अच्छे से धर्म का पालन करें, पुण्य कर्म करें, क्यों करें, कि भाई अगर पाप कर्म करेंगे तो दुख भोगना पड़ेगा, तो दुख भोगना ना पड़े इसलिए धर्म करें, धर्म का कुछ व्रत कर लें, कुछ तप कर लें, कुछ यजन याजन पठन पाठन कर लें, क्यों, क्योंकि त्रैताप मतलब कि कष्ट ना भोगना पड़े। तो ये क्या है, एक तरह से अगर ये देखें तो स्व दुख वासना मतलब स्व सुख वासना है कि धर्म का कार्य करना, कि भाई बेटे परिवार सुखी रहेंगे, पत्नी खुश रहेगी, अच्छे जॉब लग जाएगा, इस वजह से धर्म का पालन करें, धर्म अर्थ, इसके बाद फिर पैसा, अर्थ अर्थ क्यों, क्योंकि मतलब और अपनी विषय वासनाओं को भोग सके, जो भी मन करे उसको कर सके, इसलिए अर्थ भी चाहिए होता है, धर्म अर्थ भी काम, काम तो है ही वासना, काम इच्छाओं को पूर्ति करना, और मोक्ष। तो ये तीन पहले क्या है, स्व सुख वासना, और जो मोक्ष है, जब सब कुछ कर करके बिल्कुल मन भर गया कि भाई सब कतई इन चीज़ों में सुख मिल गया, मन भर गया मतलब हाथ पैर पूरा मार दिया, जैसे प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य में लिख रहे हैं ना कि भौतिक वरदान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना इसलिए की जाती है, यहाँ पर मोक्ष की बात की जा रही है, सॉरी धर्म की, कि इंद्रियों की तुष्टि हो सके, और जब मनुष्य निराश हो जाता है और लाख प्रयत्न के बाद भी अपनी इंद्र तृप्ति नहीं कर पाता तो मुक्ति की कामना करता, मुक्ति क्या है, स्व दुख निवारण कामना, कि जितना दुख मैं झेल लिया अब मेरे को और दुख नहीं चाहिए, तो भगवान मेरे को मुक्त कर दो, मुक्त कर दो, और टेंशन वेंशन नहीं लेना मेरे को, काम और धर्म की बहुत चक्कर फंस गया, अब मेरे को मुक्त कर दो, मतलब ये मुक्ति भी एक तरीके से कामना है,
वो तीनों क्या है, स्व सुख निवारण निवारण वासना है और ये दुख निवारण की कामना है। तो इन जो चारों धर्म और काम मोक्ष के चक्कर में फंसा करके लोगों को रखा जाता है। व्यास देव ने एक तरह से देखे तो सारे वैदिक ग्रंथों की रचना करके फंसा दिया है। तो जब तक वासनाएं हृदय में, जब तक कामनाएं हृदय में, तब तक कोई व्यक्ति कहां सुखी हो सकता है, है कि नहीं, कहां सुखी हो सकता है। इसलिए जो व्यासदेव भी थे वो भी सब कुछ रचना करने के बाद, क्योंकि शुद्ध भक्ति भगवान के शुद्ध भक्ति नहीं दिए थे जो कि अन्य विलासिता शून्यम हो, इसलिए उनका भी हृदय सुखी मतलब खुश नहीं था, वो भी सुखी नहीं थे। अतः एवं श्रीमद् भागवतम की रचना की है जो कि इन कैतव धर्मों को कैसे करता है, उज्जित और उचित नहीं लिख रहे, प्रोजित लिख रहे हैं, प्रकृष्ट रूपेण उचित, बिल्कुल जड़ से मतलब उखाड़ करके फेंक देता है, बिल्कुल प्रपात बोलते हैं झाड़ू बहार कर मतलब फेंक देता है कैटो धर्म को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को। और जैसे प्रपात जी आज के तात्पर्य में लिख रहे हैं, किंतु वास्तविक चरम उद्देश्य तो भगवान को समझना है, यह पंचम पुरुषार्थ कहलाता है। प्रेमो पुमार्थ महान, जो पंचम पुरुषार्थ है, ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये पंचम पुरुषार्थ को देने वाला है। प्रेमो पुमार्थ महान, कि भगवान की प्रेमा भक्ति क्या होती है, भगवान का शुद्ध भाव से सेवा भक्ति क्या होता है, उसको प्रदान करने वाला उसकी क्या लक्षण होता है, और कौन कौन लोग उसको किस किस परिस्थितियों में करके दिखाए, वो इस ग्रंथ में चर्चा किया गया है। और प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य बता रहे हैं इन चीजों की, यहाँ पर श्रीमद् भागवतम ने चर्चा की है, जो परम निर्मत्सराणाम सताम किसके लिए है, बिल्कुल जो निर्मत्सरता है, जिनके हृदय में कोई भी द्वेष इच्छा नहीं है, उन जैसे लोगों के लिए। वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु स्यूतम त्राप त्रय उन्मूलनम, वेद्यम जानने योग्य वस्तु, वास्तव वस्तु, वास्तव वस्तु क्या है, अगर सब कुछ जैसे कहते नेति नेति कह वेद पुकारे कि ये असली वस्तु है नहीं है, ये असली वस्तु है नहीं है, ये असली, तो अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग उनकी मतलब साइंस फिलोसफी से अगर चर्चा करेंगे तब जाके हम असली वस्तु पर जाएंगे। वास्तव वस्तु कौन है, श्री भगवान। तो श्री भगवान को वास्तव वस्तु को वेद्यम ये प्रकट करता है, उस ज्ञान को प्रकट करता है। शिवदम, और कैसा है, शिव का मतलब होता है कि बहुत ही सुख प्रदान करने वाला, और त्राप त्रय उन्मूलनम, तीनों जो तापों को आदि भौतिक आदि दैविक और आदि तीनों कलेश हैं उनको उन्मूलन, जल के जड़ से बिल्कुल उखाड़ करके फेंक देने वाला ये ग्रंथ है। तो यही इसमें आज के तात्पर्य में भी और इस श्लोक में भी प्रभुपाद चर्चा किए हैं। और श्रीमद् भागवत महामुनि किंवा परमेश्वर, महामुनि यहाँ पर किसको कह रहे हैं, व्यासदेव महामुनि कह रहे हैं। व्यासदेव जब खुद ही भागवतम की रचना कर रहे हैं तो खुद को तो कह नहीं रहे होंगे, महामुनि कह रहे हैं वो नर नारायण ऋषि को। उन्होंने इसकी चतुर्श्लोकी भागवतम के रूप में रचना की थी, उन्होंने ब्रह्मा को दिया था, ब्रह्मा ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने फिर इनको दिया चतुर्श्लोकी भागवत, फिर इन्होंने विस्तार किया था। तो श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते, श्रीमद् श्रीमद् भागवत कहते हैं, श्रीमद् का अंदर श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, श्रीमद् भागवत कहते हैं ना सुंदर भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत महामुनि कृते किंवा परमेश्वर, और इसकी जब रचना हो गई तो और चीजों की आवश्यकता ही क्या है, अपने आप में कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए सक्षम है ये श्रीमद् भागवत। तो आज के श्लोक पर और चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर वहाँ पर कह रहे हैं आज के अर्थ में कि आप सभी वरों के परम साक्षात रूप हैं, अतः जो बिना किसी कामना के आपकी भक्ति पर दृढ़ रहता है उसके लिए राजा बनने तथा राज करने की अपेक्षा आपके चरण कमलों की रज श्रेयकर है, आपके चरण कमल की पूजा का ये। मुझे जैसे अज्ञानी भक्त के लिए कोई बहुत बिल्कुल क्रूर हो तो क्या पसंद है, कभी पसंद नहीं आएगा। बहुत सुंदर हो, बहुत बहुत हैंडसम आदमी हो और बिल्कुल अपना घमंडी हो, उसके अंदर थोड़ा भी दया हो ही नहीं, लोग चाहिए है कि नहीं। अब माता तो तीन मतलब कंडीशन हो सकते हैं, पहला कि इंटेंशन हो लेकिन काम कर रहे हो, कृपावश भगवान नेचर क्या है कि क्या कर रहे हैं, भगवान देखते हैं कि मतलब क्या इसका इंटेंशन है, अच्छा कर कुछ भी हो अच्छा उस अच्छे काम कर, जैसे एग्जाम आता है
इंटेंशन अच्छा था लेकिन बुरा था। जो विदुर जी की जो पत्नी विदुरानी जो थी क्या कर रही थी, अच्छा इंटेंशन थी, भगवान का सेवा करना चाह रही थी, लेकिन करके और केले का छिलका पकड़ा रही थी और केला फेंक दे रही थी। और भगवान क्या कर रहे थे, केला का छिलका स्वीकार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि देख रहे थे इंटेंशन अच्छा है, सेवा करने का भाव है, भले गलती हो जा रहा है लेकिन भाव अच्छा स्वीकार करते हैं। दूसरा कंडीशन आता है कि भाव काम अच्छा, जैसे इंटेंशन बुरा कि मतलब जाके भगवान को तो ही मार देना है पूतना, आई क्या क्या उसका भाव था कि भगवान को दूध पिलाऊंगी और अस्तर में अपना कालकूट विष लगा रखी थी कि पीते ही हो जाएगा भगवान को मारे जाएंगे, तो कितना बुरा इंटेंशन लेकर के आई थी। लेकिन काम क्या कर रही थी, जैसे कि माता काम करती है लेकर के बिल्कुल भगवान को दुला इतना अच्छा बच्चा है, कुछ कर रही थी माता के जैसे स्तनपान करा रही थी, तो काम तो अच्छा कर रही थी ना, भगवान उसको स्वीकार कर रहे थे कि वो माता के जैसा ही मेरा काम कर रही। सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पर भागवतम में जो सुन करके सुखदेव गोस्वामी भागवतम सुनने को उन्मुख हो गए। अहोवकियम स्तन काल कूट जिंघा सोयादी साध्वी ले वेगतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्वा दयालुं शरणं व्रजेम। तो इस श्लोक में भगवान के दयालुता की बिल्कुल परिकाष्ठा का वर्णन किया गया है। कैसे कि कितना बुरा इंटरेस्ट था, मतलब बुरा तो हद हो सकता है कि मार ही दूं बिल्कुल, जान भी दे दूं, फिर भी क्या किए, माता का पद लेभे गतिम धात्री, धात्री का पद दिए उचितां ततो अन्यम, इससे उचित क्या हो सकता था। अतः कमवा दयालुं शरणं व्रजेम, इससे बड़े दयालु को छोड़ करके और कौन है जिसकी शरण, जिसके पाद पद्मों की चरण कमलों की शरण ली जाए, है कि नहीं, कि कितना बुरा इंटेंशन था। तो भगवान उस केस में भी कृपा कर देते हैं। और तीसरा क्या केस होता है, ना इंटेंशन अच्छा है ना काम अच्छा है, इंटेंशन भी बुरा है और काम भी बुरा है। जैसे कि इंद्र कर रहे थे, क्या इंटेंशन था, सारे ग्वाल बालकों को, सारे गोपों को, गोपियों को गायों सहित बिल्कुल मार दूंगा, बिल्कुल ऐसा तहस नहस कर दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजे बांसुरी, बिल्कुल ऐसा बोले थे। इंटेंशन गलत, काम क्या कर रहे थे, बारिश करा रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल डुबा कर जलमग्न कर दूंगा, आंधी तूफान जितना उनके हाथ में जितना मतलब जोर लगा सकते थे सारा बिल्कुल एड़ी चोटी तक करके देख लिए। वो काम भी बुरा इंटेंशन भी बुरा। इस केस में क्या करते हैं भगवान, कि अगर बाद में हम क्षमा मांगे भगवान से कि हे भगवान गलती से गलती टेंशन हो गया था, काम भी भगवान नालायक को पूरा कर दिया था, क्षमा कर दीजिए, तो भगवान अपनी अहदों की कृपा बस क्षमा कर देते हैं। जैसे इंद्र को क्षमा कर दिया है कि नहीं, काली या नाग का एग्जाम्पल देते हैं, क्या इंटेंशन था, मार दूंगा, बिल्कुल जान लेने का इंटेंशन बताइए, और कार्य क्या किया, बिल्कुल अपने कुंडली में फंसा लिया, ऊपर नीचे ये वो डसना चाहा, तोड़ना चाहा, मरोड़ना चाहा, सब कुछ करके उसने भी देख लिया, इंटेंशन भी बुरा काम भी बुरा। फिर भी बाद में जब कालिया की पत्नियों ने अपने छोटे छोटे सपोलों को आके लाके, हे भगवान बताइए हम विधवा हो जाएंगे, ये जो हमारे बेटे हैं छोटे छोटे सपोल, ये मेरे बाप के हो जाएंगे, आप क्षमा कर दिए, भगवान क्षमा कर दिए, हम देखें कि मतलब काम भी बुरा कर रहे हैं, इंटेंशन भी बुरा है, फिर भी अगर क्षमा मांग रहे तो भगवान क्षमा कर दे रहे, बताइए इतना इतना कृपा में है भगवान का, वो क्या है, ये एक मर्सीफुल गुण नेचर को बताता है। यहाँ पर बताइए ये किस इच्छा से आए थे, भौतिक भोग की इच्छा से आए थे, लेकिन फिर भी भगवान प्रकट होकर के उन पे कृपा किए और उनको शुद्ध भक्ति दिए। यहाँ पर वो मांग रहे क्या, भक्तों का सब वो भी दिए, और क्या दिए, 36,000 साल तक राज्य करने को दिए, सब कुछ दिए, जबकि शुद्ध इंटेंशन से नहीं आए थे। ऐसे ही एक हम कथा सुनते हैं, कहीं शास्त्रों में तो नहीं पढ़ा हूँ लेकिन प्रभुपाद के लेक्चर में मैं सुना हूँ, प्रभुपाद भागवतम के एक लेक्चर में बता रहे थे कि एक बार की बात है, एक डाकू था, तो उसका क्या काम था, डाका डालना, कभी इधर उधर रोज रोज का काम था डाका डालना। तो बहुत मतलब उसके जो एरिया में जो पुलिस वाले थे, जो दरोगा था, वो भी बहुत बिल्कुल टाइट हो गया, तो बड़ा टेंशन हुआ, यार बताओ कभी पकड़ा जा सकता हूँ, जेल में चला जाऊँगा, कैसे करूँ मैं। तो टेंशन के मारे पुलिस से भागे भागे जा करके एक जगह वो छुपे छुपे फिर रहे थे, तो एक जगह सत्संग हो रहा था, जैसे अभी यहाँ पर भागवतम कथा चल रहा है, सत्संग चल रहा है, तो ऐसे ही सत्संग में आकर के पीछे बैठ गया वो। अब पीछे बैठ गया तो जो वहाँ पर साधु से सत्संग कर रहे थे वो बता रहे थे भगवान के
बरहा पीड़क भगवान के अलग अलग रूपों की वर्णन कर रहे थे कि भगवान ऐसे ऐश्वर्यशाली हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि कौस्तुभ मणि उनके गले में जाकर के कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि कौस्तुभ मणि इतनी सुंदर है कि भगवान की शोभा बढ़ती है, नहीं, भगवान के गले में जाकर के कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ जाती है। भगवान अपने पैरों में सोने के नूपुर पहने हुए हैं और भगवान के चरण इतने सुंदर हैं कि उन्हें नूपुर की शोभा बढ़ जा रही है। तो बिल्कुल जब सोने चांदी की बात सुन रहा था बिल्कुल उसके कान खड़े हो जाते, बिल्कुल एक्टिव हो जाते। अच्छा ऐसा लड़का है, सोना पहना हुआ, चांदी पहना हुआ है, हीरा पहना हुआ है, बिल्कुल अटेंटिव बिल्कुल। और लोग तो जब में कुछ लोग सो भी रहे थे कथा सुनते हुए, कुछ लोग का ध्यान इधर होता कि घर में क्या चल रहा होगा, बिजनेस में क्या चल रहा होगा, पत्नी क्या हो रही होगी, ऐसा भी चल रहा था, लेकिन बिल्कुल वो कान लगा के अटेंशन सुन रहा था बिल्कुल वो। और पंडित जी वर्णन कर रहे थे क्या कि ऐसे भगवान कमर में कड़नी सोने की पहने हुए, अच्छा सोने की, और आगे जाता जा रहा था बिल्कुल, अच्छा ऐसा है। और इसके बाद क्या मन बना रहा था कि अगर भाई सब वो लड़का अगर मिल गया, नंद गोप है क्या है, किसी गोप का लड़का अगर वो मिल गया तो पूरा काम बन जाएगा, आज के बाद ये धंधा ही नहीं करना पड़ेगा बिल्कुल, एक बार में बिल्कुल छक्का मारूंगा, आजाद हो जाऊंगा। ये सोच के जब कथा बंद हुआ तो गया पंडित जी से पूछा कि पंडित जी बताओ कहाँ मिलेगा वो, बोले कैसी बात करो कहाँ मिलेगा, ये सब कथा पुराणों की बात है, ऐसा थोड़ी ना मिल जाता है। बोले कि देख लो अगर तुम नहीं बताओगे ना तो मैं जात से डरूंगा, रोज का काम है मेरा कत्ल करना, एक और बढ़ जाएगा, इतनी छप्पन हो चुके दोनों में क्या फर्क पड़ रहा है। तो बिल्कुल हड़काया उनको, तो फिर पंडित जी और डर के बारे उसको बता दिए कि भाई ये काम करो तुम जाओ यहाँ से दक्षिण की तरफ, वहाँ पर वृंदावन है, वहीं पर दो छोटे छोटे बालक है कृष्ण बना, बहुत सुंदर है, अच्छा सुंदर है। तो ऐसे करके पूरा एड्रेस लिया और फिर वो भी सोचा पंडित जी भाला को मेरा गर्दन छूटा, बिल्कुल बिल्कुल बना दिया उसको, वो तो सोच रहे थे कि उसको बना दिया, लेकिन भाई उसके चेतना जो थी क्या थी कि जाऊंगा पकड़ करके लूटूंगा, लूट करके अमीर हो जाऊंगा। तो इस मतलब उसका क्या था इंटेंशन प्योर नहीं था, लेकिन वहां पर ढूंढते ढूंढते बिल्कुल वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन पूछ रहा था कन्हैया कन्हैया कृष्ण कृष्ण कहाँ हो। अब पूरा दिन बीत गया रात बीत गया, लेकिन उसकी दृढ़ बिल्कुल निश्चय था कि एक बार अगर मिल गया तो क्या करूंगा, सारा गहने छीन लूंगा, लूट लूंगा और लूट के मार दूंगा, इसके बाद बस अमीर हो जाऊंगा, ये इंटेंशन से गया था वो। लेकिन काम क्या कर रहा था, तत्लौल्य में एक अमूल्य कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते, लौल्य था जो उद्गार थी उसके अंदर कृष्ण को पाने की, कृष्ण को देखने की, कृष्ण की जो चाहत थी वो उसको भगवान ने स्वीकार किया। वहां पर बिल्कुल पुकार रहा था रात भर दिन भर दो दिन तीन दिन बिल्कुल बिल्कुल भूखा प्यासा, सोच रहा था कि चलो जितना ही भूख प्यास गुजारना गुजारू, एक बार आखिरी बार की बात है, एक बार लूट लूंगा और सारा सोना चांदी फिर तो बेच करके फाइव स्टार होटल में रहूंगा ऐसा मतलब उसका भावना होगा कि आखिरी बार भूखा पेट रहना पड़ रहा है, इसके बाद तो कभी भूखा पेट नहीं रहना पड़ेगा। तो इस चित्त से खोज रहा था भगवान कैसे हैं, भाई नंदलाल कैसे हैं, भावग्राही जनार्दन उसके भाव को देख करके उसके पास खींचे चले आए कृष्ण, और अचानक से उसके सामने प्रकट हुए। प्रकट हुए तो देखो भाई साहब जैसा बात कर रहा था वो पंडित जी बिल्कुल हूबहू डिक्टो कॉपी वैसा ही है, बिल्कुल सत्य कह रहा था वो। इसके बाद फिर गया उसको मनाने की कोशिश करने लगा, सोचा यार इतना अच्छा अच्छा बच्चा है, लूटूंगा तो नहीं, मांग लेता हूँ इससे, पहले मन में आया देख करके लूटी। इसके बाद भगवान को देखते ही उसके अंदर मतलब सब शुद्ध हो गया, लेकिन भाई इच्छा तो क्या थी, किसी तरह से चाहिए तो था ही, तो सोचा कि चलो लूटूंगा नहीं, मांग लूटा हूँ इसको, अच्छा बच्चा है देखने में कितना सुंदर लग रहा है, और इतना सुंदर तो आज तक बच्चा ही नहीं देगा, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं नेत्रम पिबंत नैना भीरा मम पार्थस्य तो पद्मा भी रस्य, कि जैसे नेत्र से देख करके नेत्रों से बिल्कुल एकटक देखने लगा, देखने लगा इतनी सुंदरता इतने सुंदर तो आज तक देखा ही नहीं था किसी बच्चे को, तो बिल्कुल देखने लगा। फिर भी उसको याद आया कि नहीं नहीं माया में नहीं फंसना है, क्या करना है मुझे, मैं किस लिए आया था, लूटने आया था, छीनने आया था। फिर जाके प्रेम से बोलता है कि चलो एक काम करो, कितने तुम अच्छे लग रहे हो, कितने सुंदर लग रहे हो, मैं चादूकारी करने लगा, एक काम करो जो ये सोने का ही है ना मुझे दे दो। बोले नहीं मैया मारेगी, मैया डांटेगी, ऐसे प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं, नो 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 मदर स्कॉल मी, ऐसे कहते हैं कि मम्मी मुझे माता जी मुझे मारेगी, मैया डांटेगी, नहीं दूंगा नहीं दूंगा, और वो बिल्कुल करने का प्रयास करता, लेकिन इस
करते 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 भगवान ने क्या किया, उसका हाथ स्पर्श किया, मतलब सोचा कि बस ले लो ले लो, तो भगवान के शरीर का स्पर्श हो गया। और स्पर्श होते ही जैसे यहाँ पर इनका हाल हुआ ना, भगवान का सर छुआते बिल्कुल बल्ब चल गया पूरे माइंड का, और बिल्कुल प्रार्थना करने लगे, बताने लगे, हे भगवान काचम विचिन्ना पी दिव्य रत्नम स्वाम कृतार्थ वस्मी वरम नया छे, कि मैं किस लिए आया था, कांच के टुकड़े के लिए आया था, आप मुझे हीरा मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे उस डाकू का हाल हुआ कि हे भगवान आप मिल गए मुझे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये हीरा जवाहरात कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं नहीं ले 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 लो ले लो, ये पोटली खोल करके मेरा निकाले ने माना, अरे नहीं नहीं भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको देख लिया बस मेरे नए तृप्त हो गए, मेरे जीवन का लक्ष्य कोई यही था मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आखिरी में उससे कुछ नहीं, जैसे ध्रुव महाराज कुछ नहीं लिया वैसे वो भी कुछ नहीं लिया। तो इस प्रकार भी भगवान अगर हमारा गलत इच्छा से भी हो बट अगर कार्य शुद्ध कर रहे हो तो इंटेंशन सही हो तो भगवान उसको प्रदान करते हैं। और अगर थर्ड एक्सपेक्ट को देखें जो आज के श्लोक का है, आज के तात्पर्य का है, जैसे कि जो सारी इसकी जो हो रही थी ये है, जो भी ये सब भक्ति है कहीं ना कहीं कैटो भक्ति है, शुद्ध भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है। तो श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति का चर्चा कर रहे हैं, दो शब्द श्लोकों में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर शुद्ध भक्ति ना हो, शुद्ध भक्ति हो कैसी भी भक्ति हो, लेकिन अगर कृष्ण से अगर हम अपना चित्त लगाते हैं, कृष्ण में मन लगाते हैं, ये न के प्रकारे मन कृष्ण भी वैसा एक कैसे भी अगर लगाते हैं तो भी कृष्ण इतने कृपालु हैं कि जो भी हमारे मन वांछा है उसको पूर्ण करते हैं। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक में आता है, नारद मुनि के हैं युधिष्ठिर महाराज को, कामाभ्य सात भया स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः आवे सतत अघम हित्वा बहवः गतिं गता। क्या कह रहे हैं कि कामाभ्य सात भयात् स्नेहात्, कि अगर भगवान से अगर काम वासना से भले अटैच हो जाए, आसक्त हो जाए, कामात् भयात् भय से भले, मतलब भगवान से भीत रस पे डर के मारे भले अटैच हो जाए, कामान भया स्नेहात के साथ अगर भगवान से द्वेष भावना से भी अगर हम अटैच हो जाते हैं या स्नेह से कैसे भी अटैच हो जाते हैं तो क्या लिख रहे हैं कि अनेकानेक व्यक्तियों ने अत्यंत एकाग्रता पूर्वक सहज भाव से कृष्ण का चिंतन करके तथा पापपूर्ण कर्मों का त्याग करके मुक्ति प्राप्त की, भगवान मुक्ति प्राप्त करते हैं। फिर एग्जाम्पल देते हैं, क्या कह रहे हैं अगले श्लोक में, गोप्या कर्मा भया कंसो द्वेषाच्च जागरे नर सम्मान्धा दृष्टये स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। क्या कह रहे हैं कि गोप्या कामात् भयात् कंसो, कि जो गोपीगण थी कैसे भगवान से आसक्त हुई थी कामात्, काम भावना से, कि जो बालक है जो कृष्ण है कितना सुंदर लगता है और उनको देख करके देखने मात्र से उनको अटैच हो गई थी कि किसी तरह से पति रूप में मुझे मिले, कात्यायनी की पूजा की थी। गोप्या कामात् भयात् कंसो, कंस जो था बिल्कुल भय से मारे अटैच था, दिन भर भगवान की चिंता करता था कहीं आ न जाए कहीं मार न जाए, अच्छा आठवां कर्म जन्म ले लिया है, बिल्कुल भय के मारे भगवान का चिंतन करता था। द्वेषाद चद्यादि निरह, जो चद्य नरेश का वो जो पुत्र था कौन था, शिशुपाल, द्वेष से कृष्ण का चिंतन कर रहा था। एक मैं लेक्चर सुन रहा था, राधा गोविंद महाराज जी उसको बता रहे थे कि बचपन से जैसे छोटे बच्चे होते हैं तोतली भाषा में बोलना शुरू करते हैं, माँ माँ पापा चाचा ताया, वो बचपन से कृष्ण को गाली देना शुरू किया, इतना ज़्यादा द्वेष करता था वो, बचपन से मामा चाचा बोलना सुनने शुरू किया कृष्ण को देते तोतली भाषा से वो गाली देना शुरू कर दिया था, इतना ज़्यादा द्वेष करता था वो, तो द्वेष करके वो कृष्ण से अटैच था। संबंधादृष्ण आया, जैसे आप लोग हैं युधिष्ठिर महाराज को, आप लोग अच्छे भगवान से संबंधी हैं आपके ना, किसी के जीजा जी हैं, किसी के साला जी हैं, किसी के फूफा के लड़के हैं, जैसे बुआ के लड़के थे मामा के लड़के थे, तो उससे आप लोग और भक्त्या वयम विभो, और हम लोग भगवान से भक्ति करके अटैच हैं। तो किसी भी प्रकार से अगर कोई अटैच होता है, किसी भी प्रकार से अटैच होता है तो भगवान उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, भगवान मतलब जो भी इच्छा से अटैच होता है उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। बट ये जो भी चर्चा किया जा रहा है, लेकिन ये सब शुद्ध भक्ति नहीं है। तो शुद्ध भक्ति की फिर वर्णन करते हुए रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु के पहले मतलब वन 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 में लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम
ऋषिकेशा सेवन भक्ति उच्चते। क्या उत्तम भक्ति क्या है, कैसे भक्ति वो होती है, प्रदान करती है। शुद्ध भक्ति क्या होता है कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियों से मुक्त हो जाना। ये सुनने में शब्द आसान है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, इसका मतलब है कि जो चौथा वो है मिथ्या अहंकार से ऊपर हो जाना, कि मैं ये हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, ये डिग्री है, इतना क्वालिफिकेशन है, ये ब्रह्मचारी हो गए, मतलब ऐसे कर, ये क्या है, सब उपाधियां हैं, इन सारी उपाधियों से ऊपर हो जाना, मतलब मिथ्या अहंकार से ऊपर उठ जाना। जो 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 जब ब्रह्मा जी सृष्टि का क्रिएशन कर रहे थे, जो महा वो या अंदर त्रामिस उसका जो वो रचना किए थे, जो ब्रह्मा जी को चीज बना करके बहुत दुख हो रहा था कि यार ये मैं बना दिया, इसे सब लोग अपने जो असली स्वरूप है भूल जाएंगे और सब मिथ्या स्वरूप को ग्रहण कर लेंगे, उससे ऊपर उठ जाना, तब जाके भक्ति शुरू होती है। सोचिए कितना मतलब ऊपर है शुद्ध भक्ति। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परते न निर्मल, हृदय से बिल्कुल निर्मल होना। और ऋषिकेशा ऋषिकेशा भाव से मतलब भक्ति उच्चते, कि ऋषिक मतलब होता है इंद्रियां, और ऋषिकेश ऋषिक ईश जो इंद्रियों के स्वामी है, इंद्रियों से जब इंद्रियों के स्वामी का अगर हम सेवा में लगेंगे तो भक्ति उच्चते, भक्ति उत्पन्न होती है। और फिर अगले श्लोक में और शुद्ध भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, कैसा होती है भक्ति, तो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावेदम। ऋषिकेशा अन्य अनुकूल कृष्णानुशील भक्ति उत्तम भक्ति की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य जितने भी और अभिलाषा है, मतलब भगवान की सेवा को छोड़ करके, भगवान की प्रेममयी सेवा को छोड़ करके जितने भी अभिलाषा है उनको त्याग देना, अन्याभिलाषिता शून्यम। ज्ञान यहाँ पर क्यों बात किया जा रहा है, जैसे हम लोग भागवतम सुनने आ रहे हैं तो ज्ञान लेने जा रहे हैं, ये भागवतम पढ़ते हैं ज्ञान ले रहे हैं, बट ज्ञान से भी अनावृत होने को क्यों किया जा रहा है, तो कौन सा ज्ञान है, मायावादी ज्ञान, अद्वैत ज्ञान, जिसे हम और भगवान एक है, ऐसे जो ज्ञान होता है अद्वैत ज्ञान, नहीं अद्वैत नहीं, हाँ द्वैत ज्ञान, उससे ऊपर उठना, जो मायावाद का ज्ञान है उससे ऊपर उठना। ज्ञान कर्मादि, कर्म कैसे कर्म कह रहे हैं, ये प्रेम भाई भक्ति वाले सेवा नहीं, जो सकाम कर्म है उनसे ऊपर उठना। आदि आदि यहाँ पर शब्द लगाए हैं गुरु गोस्वामी पाद, कि ऐसे जो भी चीज होते हैं इस सबसे ऊपर उठना, फिर अनुकूल और अनुकूल कृष्णानुशील भक्ति उत्तमा, उत्तमा भक्ति है कि भगवान के अनुकूल भाव से सेवा करना। तो ऐसे जैसे ये प्रार्थनाएं चल रही है, ऐसे अनुकूल भाव से प्रार्थना वृतासुर प्रार्थना करते हैं, जो चार प्रार्थनाएं हैं बिल्कुल शुद्ध भक्ति कैसी होनी चाहिए, और शुद्ध भक्ति में शुद्ध भक्त के हृदय में क्या भावना होनी चाहिए, और शुद्ध भक्त कैसे मांगनी चाहिए, उसका प्रार्थना है उसका हम आखिरी में चलेंगे। और ये कैसा है, ये कैसी भक्ति होती है, केचित केवल या भक्तिया वासुदेव परायणा अघम ध्रुवंती कास्ते न निहारम इव भास्कर, कि केचित केवल या भक्ति, जो केवला भक्ति में लगेंगे, जो कि अन्य अभिलाषिता शून्य होगा, तो जाके कैसे अघम ध्रुवंती कास्ते न निहारम इव भास्कर। जैसे सूर्य जब उगता है तो अभी ठंडा का दिन चल रहा है, कोहरा अगर आ जाता है बिल्कुल सूर्य के उगते ही कोहरा गायब, वैसे ही जब ये भक्ति रूपी जब सूर्य हमारे हृदय उदित होगा उगेगा, तो जितने भी अनर्थ है काम क्रोध लोभ मोह मद सारे सब निहारम एव भास्कर, सब बिल्कुल जड़ से उखड़ करके समाप्त हो जाएंगे भक्ति का उत्पन्न होने से। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं वृद्धाश्रम शुद्ध भक्ति के लिए कैसा, तो प्रार्थना में कह रहे हैं अहम हरे तो पादे कमूल दासांगा सो भवितास्मि भूयः मन स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु काय। क्या कह रहे कि अहम हरेतव पाद एक मूल, ये शुद्ध भक्ति का भक्त का बिल्कुल मूल है, अहम हरेतव पाद एक मूल दासान दासो भवितास्मि भूयः, कि हे भगवान कब ऐसा दिन आएगा जब पुनः आपके दासों के दासों कि मैं भक्ति में चित्त को लगा पाऊंगा, जिससे क्या होगा मना स्मरे न सुपते गुणास्ते गृणीत वा कर्म करो तो काया, कि जो मेरा मन होगा मन से सिर्फ आपका चिंतन कर पाऊंगा, मन स्मरेता और आपके गुणों का अपनी वाणी से आपके गुणों का गुणगान कर पाऊंगा, और अपने हाथों से अपने शरीर से एकमात्र आपकी सेवा कर पाऊंगा। ये कब होगा हो पाएगा जब मैं आपके दासों की दासों के दासों की मैं संगति करूंगा,
उनके उनके भक्ति में जब मैं लगूंगा तो फिर उनको लगता है कि नहीं देखो पिछली बार ना पिछले जन्म में मैं क्या किया था कि बहुत बड़ा राजा था, चित्रकेतु था, बहुत बड़ा राजा था और अच्छे से राज्य पद की ऐसी सब चीज़ों कामनाओं थी कामनाएं थी। तो फिर अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा समंजस्य त्वां विरह एकांशे। वृद्धासुर कह रहे हैं कि न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, यहाँ पर जो ध्रुव महाराज को, ध्रुव महाराज को क्या भगवान ने दिया था, लोक दिया था कि नहीं कि 36,000 साल तक राज्य करोगे इसके बाद मेरे धाम को आओगे, ध्रुव लोक को आओगे। तो यहाँ पर वृद्धासुर बोल रहे हैं कि नाक पृष्ठ मतलब ध्रुव लोक को बोला जाता है कि मुझे ध्रुव लोक नहीं चाहिए, न च पारमेष्ठम, जो पारमेष्ठी किसको बोलते हैं, ब्रह्मा जी को, कि मुझे ब्रह्मा जी का भी लोक नहीं चाहिए, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, सार्वभौम पूरे पृथ्वी का भी साम्राज्य मुझे नहीं चाहिए, न रसाधिपत्यम, नीचे नीचे जो रसातल लोग हैं उनका भी एक एक छत्र मुझे राजा बना दिया जाए तो जी नहीं चाहिए मुझे। क्यों नहीं चाहिए भाई, न योग सिद्धि न पुनर्भवन हुआ, पिछले जो जन्म में बहुत योग सिद्धियों में तपस्या के चक्कर में पड़ गया था, न योग सिद्धि कोई भी जो भी अनिमा लगिमा जो इसीता वसीता प्राप्ति जो ये अष्ट सिद्धियाँ होती हैं कोई सिद्धियाँ नहीं चाहिए मुझे, न योग सिद्धि न पुनर्भवन हुआ, और इन चीज़ों को तो छोड़ ही दीजिए, न पुनर्भव हुआ, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना भी नहीं चाहिए। कब नहीं चाहिए, समंजस्य तो आप भी रहे कांक्षे, अगर एक पल के लिए भी आपको अगर छोड़ना पड़े तो ये सब नहीं चाहिए मुझे। देखिए कितना शुद्ध भक्त का, शुद्ध भक्ति का बिल्कुल प्रार्थना कर रहे हैं। और तीसरा प्रार्थना में वही प्रार्थना करते हैं जो आज के प्रार्थना में यहाँ पर ध्रुव महाराज प्रार्थना करते हैं। क्या कह रहे हैं ध्रुव महाराज, जिस प्रकार गाय अपने नवजात बछड़े को दूध पिलाती है और अपने से उसकी हमले से उसकी रक्षा करने करके उसकी देखभाल, जैसे गाय बेचैन होती है अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, वैसे भगवान भी यहाँ पर आप देखेंगे तो आखिरी श्लोक में आया है एक शब्द कातर स्मान, कातर मतलब भगवान बेचैन होते हैं, बिल्कुल भगवान बिल्कुल लड़ाई होते हैं कि कब जाकर के और किस प्रकार से मैं अपने भक्त की रक्षा करूं। हम देखते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा में कि जब वो हाथी बिल्कुल कातर भाव से पुकारता है कि हे भगवान आओ हरि, तो भगवान मतलब वैकुंठ में बैठे होते हैं और वैकुंठ में लक्ष्मी जी बोल रही है कहाँ जा रहे हो, तो बोलते हैं हाथी, बोलते हैं कि हाथी बुला रहे हैं, तो हाँ वैकुंठ बोलते हैं और फिर आते आते तक बिल्कुल उस हाथी के पास आ जाते हैं, इतना स्पीड में आते हैं बिल्कुल बचाने के लिए। और भगवान गरुड़ पर चढ़ करके आ रहे होते हैं और गरुड़ की स्पीड कितनी है, मन से भी ज्यादा है गरुड़ की स्पीड, तो भगवान को लगता है कि नहीं नहीं और लेट हो रहा है, जो मेरा भक्त है और ज्यादा कष्ट में है, तो गरुड़ पर से कूद जाते हैं भगवान बचाने के लिए। देखिए ललिता देखिए यहाँ पर ये शब्द आया है कातर स्मान, कितने ज्यादा भगवान कातर है मतलब ज्यादा बचाने के लिए है, और फिर भगवान को लगता है कि और लेट हो रहा है, तो भगवान एक तो गरुड़ से कूद गए हैं उस पे से चक्र ऊपर से फेंकते हैं कि लगता है मुझे और लेट हो रहा है, चक्र फेंक करके चक्र से जल्दी उसको काट करके उसके हाथी की रक्षा करें। भगवान कितने ज्यादा कातर है, कैसे कातर है, जैसे जो गाय होती है यहाँ पर बोल रहे हैं वत्सरा गाय वत्सा की, जैसे जैसे गाय कातर होती है बच्चे, जैसे आप लोग देखे होंगे कभी छोटा जब बछड़ा जन्मता है गाय को तो बिल्कुल पूरा उसको चाटती है, चाट चाट के बिल्कुल उसको खड़ा कर देती है, तंदुरुस्त कर देती है, जैसे छोटे अगर माताओं के छोटा बालक होता है तो बिल्कुल उसको मिसती हैं, तो वो करती हैं तेल लगाती, कितना मतलब सेवा की वासना से भावना से उसको सेवा करती है, बिल्कुल बेचैन होती है कि कब मैं अपने बच्चे का सेवा करूं, वैसे भगवान बेचैन होते हैं रहते हैं अपने भक्त का सेवा करने के लिए। और वृद्धासुर भी वही प्रार्थना कर रहे हैं, तीसरे श्लोक में कह रहे हैं कि अजात पक्षाइव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधार्था प्रियं प्रियेव विसतं विसन्ना मनहरविन्दाक्ष दिदीक्षते त्वां। क्या कह रहे हैं कि अजात पक्षाइव मातरम खगा, यहाँ पर पहले प्रार्थना कर लिए कि भगवान ये दे दो ये दे दो, लेकिन फिर उनको लगा कि देखो अगर दे दो मतलब भगवान से मांग रहा हूँ तो ये तो कोई शुद्ध भक्ति नहीं होगी ना। शुद्ध भक्ति क्या हुई कि मतलब मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूँ क्या दे सकता हूँ, तो बोल रहे हैं कि अजात पक्ष है उमा तरफ खगा, हे भगवान मैं आपकी भक्ति के लिए कैसे बेचैन रहूँ कैसे लो लेता रहे, जैसे कि अजात पक्ष है उमा तरफ खगा, कि जैसे कि छोटा सा पक्षी का बच्चा होता है जो जिसके पंख अभी नहीं उगे हैं, होता है ना आप लोग देखे होंगे घोंसले में चाऊ 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 मुँह खोल के कर रहे होते हैं, तो जो उनके
मम्मी पापा जो उनके माता पिता जो चिड़िया आती है कुछ ना कुछ वो चुग करके लाते हैं कीड़े मकोड़े और उनके मुंह में ऐसे डालते हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं कौवा चारा बांट रहा है, ऐसा भोजपुरी बोलते हैं। तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके मुंह में वो चारा डालते हैं। वैसे कितना बच्चे बेचैन रहते हैं आप देखोगे तो चाऊ 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 करते रहते हैं। जैसे मेरे घर में कबूतर आया करते, तो जब बड़े बड़े कबूतर आते तो पूरे चाऊ चाऊ करने लगते थे, बेचैन रहते हैं कि कब मेरे मुँह में डाले। क्यों? क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ और खुद तो उड़ के कहीं जा नहीं सकता। वैसे एक भक्त को बेचैन होना चाहिए कि कब जाके भगवान का दर्शन करूँ, कब जाके भगवान का मैं प्रेममय सेवा में लग पाऊँ। और अगर उदाहरण दे रहे हैं स्तन्यम यथावत से तरा चुधारता, कि जैसे कोई छोटा बछड़ा है, बछड़ा को भूखा रहता है और माँ उसकी जो है गाय, गाय नॉर्मली चलने चली जाती है जंगल में, तो बछड़ा इंतजार करते रहता है बिल्कुल कातर भाव से कि कब मेरी माँ आएगी और दूध दूध दूहने का टाइम होगा और मैं जाकर उसका स्तनपान कर लूँगा, मेरा पेट भरेगा। तो जैसे बछड़ा बेचैन रहता है उस गाय के लिए और गाय बेचैन रहती है कब मैं दोबारा लौट करके जाऊँ अपने बछड़े को, कब पेट भरूंगी दूध पिलाऊंगी, वैसे ही भगवान मैं आपकी सेवा के लिए नालायक हूँ। फिर तीसरा कह रहे हैं, इन दो श्लोकों को बोलने के बाद उनको लगा कि ये भी शुद्ध भक्ति नहीं है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ अपनी लालसा है। तीसरा बोल रहे हैं कि प्रियम प्रिय वैसितम विसरना। इसमें विश्वनाथ चक्र ठाकुर बहुत अच्छा इसके टीका में लिख रहे हैं कि जैसे कि प्रियम प्रिय वैसितम विसरना, कि जैसे कोई प्रियतमा होती है बिल्कुल जैसे उसका जो पति होता है वो घर से बाहर चला गया है शहर में कहीं कमाने के लिए, तो बहुत ही बेचैन रहती है कि कब वो आएगा और मैं उसे पूरी तरह से संतुष्ट करूँगी या मुझे संतुष्ट करेगा, बिल्कुल ललायक होती है, ललायक भाव से उसका इंतजार करती है। इसलिए चौथे में बोले हैं मन अरविंदाक्ष दीक्षित भाव, कि हे भगवान मैं कब ऐसा ललायक रहूँगा आपकी सेवा के लिए, आपकी सेवा सुश्रूषा के लिए। यहाँ पर दीक्षा से मतलब देखना होता है, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पर अपने पर्पट में लिख रहे हैं, अर्थ में लिख रहे हैं, आई ऑलवेज यर्न टू बी फॉर द अपॉर्चुनिटी टू रेंडर डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस अर्ट वी हूँ। दीक्षते वो क्या प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ट्रांसलेशन में, डिवोशनल लविंग डिवोशनल सर्विस। एक भक्त को बेचैन रहना चाहिए कि कब मैं भगवान आपकी इस सेवा में दोबारा रहूँ। और आखिरी प्रार्थना में बोल रहे हैं कब लग पाएंगे, तो फिर उसमें बोल रहे हैं कि मान लो मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर वो भी प्रार्थना कर रहे हैं ध्रुव महाराज भी कि भगवान आप मेरे सामने प्रकट हो गए, मैं तो नितांत बालक था, मुझे तो प्रार्थना भी करने नहीं आया था और क्या मैं गलत इच्छा को लेकर के आपके पास आया था, फिर भी आप इतने कृपालु हैं कि आकर के मुझे दर्शन दिए, मुझे ज्ञान दिए और मेरी सारी इच्छाओं को पूरा किए। आखिरी श्लोक में बिल्कुल वो बोल रहे हैं ध्रुव महाराज, वैसे ये कब होता है, क्या मानते हैं ध्रुव महाराज आखिर में, ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी तव मायात्मज दार गे आसक्त चित्तस्य ननाथ भूया। कह रहे कि मम उत्तम श्लोक जने सुसख्यम, कि हे भगवान मेरी कब आपके भक्तों से, उत्तम श्लोक भगवान को कहते हैं, उत्तम श्लोक जन मतलब जो भगवान के भक्तों से, कब उनसे सख्यम, कब उनका मतलब सख्य मतलब कब उनका संग मुझे प्राप्त होगा। क्यों चाहिए भाई संग, क्योंकि संसार चक्र भ्रमतः स्वकर्म भी, अब तक मैं अपने स्वकर्म भी अपने कर्मों के कारण संसार के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जननी जठराशयनम, बार बार माता के गर्भ में जा रहा हूँ, बार बार जन्म ले रहा हूँ, बार बार मर रहा हूँ, क्यों अपने कर्मों के कारण स्वकर्म भी, और क्यों कैसे अपने कर्म, तो आगे बता रहे हैं तव माया आपकी माया से जो उत्पन्न होते हैं, या तव माया आत्म आत्मज दार गे आसक्त चित्त से ननाथ भूया, जो इन चीजों में चित्त हमारा आसक्त हो जाता है, किन में, आत्म अपने शरीर में, आत्मज आत्मज मतलब शरीर से जन्मा हुआ अपने बेटे में, दार पत्नी में, गे घर में, हम देखते हैं सबका ऐसे ही हृदय अटैच रहता है और इन अटैचमेंट के चलते कर्म करते हैं और कर्म से कर्म के बंधन में पड़ते हैं, जिसके चलते बार बार जन्म रूपी मृत्यु रूपी इस सर्कल में, इस साइकिल में हमें पड़ना पड़ रहा है। तो बोल रहे हैं असत्य चित्त सननाथ भूया, हे भगवान कब आपके भक्तों की संगति होगी, कि इन आपके भक्तों की संगति करें हमारा चित्त आप में लगेगा, आप में हमारा चित्त रहेगा, इन चीजों में हमारा चित्त नहीं रहेगा। ये कैसा प्रार्थना, ये दैन्यमय प्रार्थना है कि हे भगवान अगर मैं मान लो इतना ज्यादा लायक नहीं हूँ
कि एक बछड़े के जैसा मैं आपके लिए इंतजार कर पाऊँ, एक गाय के जैसा, एक पक्षी के जैसा या एक स्त्री के जैसा, तो भी अगर इस लायक मैं नहीं भी हूँ तो भी एक काम करना इतना मुझे करना कि एटलीस्ट अपने भक्तों के अपने संग में ले लेना। अगर आपके भक्तों के संग में रहूँगा ना तो स्वतः इन चीज़ों से आसक्ति कटेगी, और आसक्ति कटेगी तो आप में आसक्ति लगेगी, और आप में लगेगी तो इस जन्म मृत्यु चक्र से मैं निकल पाऊँगा। तो ऐसे ही बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं, इनको पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, और भगवान के सामने जा करके ऐसी प्रार्थनाओं को दोहराना चाहिए। एटलीस्ट अपना बुद्धि नहीं आ रहा है कुछ भी, तो एटलीस्ट ये महाजनों की एन गता से पंथा, अगर ये जो महाजन लोग गए हैं ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, वीता सुरेश या कुंती महारानी, इन प्रार्थनाओं को भी दोहराएंगे ना तो निश्चित रूप से हमारी शुद्धिकरण होगी। और भले चित्र कितना भी गंदा हो, इतना तो शुद्ध नहीं हो, बट एटलीस्ट हमारा वो होता है कि अगर भावना अच्छी नहीं लेकिन कर्म अच्छा करेंगे तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं कर्म को। अगर इन प्रार्थनाओं को दोहराएंगे भी जो ध्रुव महाराज ने किया है, तो एटलीस्ट कर्म तो अच्छा हो जाएगा, तो भगवान निश्चित रूप से उसको स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रमाण।